फ्रंट डेस्क पे काम करना है और आप वो चीजें कंफर्टेबल नहीं हो, तो ये जॉब सबसे बेस्ट है। अरे यार, ये अभी हेयर का कुछ करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा पड़ गया, बट ठीक है, अभी जा सकते हैं, कार है अपने पास, कभी भी जा सकता हूँ। एनीवे, वेलकम बैक टू माय चैनल और नए व्लॉग में स्वागत है आपका। तो लास्ट कार वाले व्लॉग में दो तीन चीज़ें बताना भूल गया, तो वॉच बताऊंगा, जैसे कार का जो बूट स्पेस है वो कितना है और इंश्योरेंस के बारे में। वीडियो आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बिकॉज आप में से 50-60% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, एंड ऑल्सो आई एम क्लोज टू 2000 सब्सक्राइबर, सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉन्टेंट है चैनल पर और आगे भी आएगा। अभी आप आगे का वीडियो देखो, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आज मैं शेयर करने वाला हूँ कि वाई Uber Eats इज़ वन ऑफ दी बेस्ट जॉब, पार्ट टाइम जॉब फॉर स्टूडेंट, तो उसके बारे में बात करेंगे। बट पहले मुझे कार साफ करनी है, बिकॉज ये देखो रहे हो झाड़, तो प्रॉब्लम ही हो रहा है कि इसके ऊपर पूरा कचरा हो रहा है। अगर आप देखोगे यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो कितना, दो तीन दिन पहले नहीं, एक वीक तो हो गया कार को लेके, क्योंकि आज संडे है एंड हैप्पी दशहरा टू एवरीवन। आप प्रॉब्ली ये मंडे या ट्यूसडे को वीडियो देख रहे होंगे, बट आज यहाँ पे दशहरा, मतलब आज इंडिया में है तो आज संडे है, तो आज हम सेलिब्रेट करेंगे। तो कार को वॉश करना है मुझे अंदर से, क्योंकि वो भी बताता हूँ, अंदर से वैक्यूम करना है, तो अभी वैक्यूम तो मेरे पास है नहीं, पूरा अंदर यहाँ पे देखोगे आप, ओ कुछ ज़्यादा ही है, तो ये सब वैक्यूम करना पड़ेगा, सब मैं घर पे नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पे पास में कार वॉश है, तो वहाँ पे अंदर बहुत ज़्यादा है यार, तो वहाँ पे अंदर से जितने भी कार है पूरा वैक्यूम करेंगे, प्रोबेबली 20-20 जितना भी होगा वो क्लीन करेंगे, और बाहर से मैं क्लीन करूँगा, क्योंकि तो अभी एक वीक पहले कार धोया, वॉश किया था, तो पहले थोड़ा ऊपर से साफ़ करता हूँ और फिर हम चलते हैं कार वॉश करने अंदर से, और उसके बाद थोड़ी शॉपिंग करेंगे, क्योंकि सीट कवर्स नहीं है, तो देखोगे तो मतलब वो Kmart से आगे देखो आप वीडियो में, पहले मैं साफ़ कर लेता हूँ गाड़ी। और अगर देखोगे तो काफ़ी अच्छा बूट स्पेस है इसमें पीछे, अभी मैंने एग्जैक्ट नहीं मतलब कितना लीटर्स वो काउंट करते हैं, बट अच्छा है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा सामान रख सकते हैं, और ऑलरेडी थोड़ा सामान है, क्या नाम है उसका, भूल गया मैं नाम, आई एम वेरी बैड विथ नेम, हाँ याद है, विशाल, विशाल की कार है तो उनका सामान ऑलरेडी यहाँ पे रह गया। विशाल भाई ये लेके तो जाओगे, पता नहीं अभी। सो अभी मैं आ गया हूँ कार के अंदर, और अभी साइकिल से जाना नहीं पड़ेगा, अभी हर जगह कार से जाएंगे हम, मतलब मैं जाऊंगा और आप लोग देखोगे ये फ्रेम, वो जय हिंद दोस्तों वाला लग रहा है। अभी इंश्योरेंस के बारे में बात करते हैं, बट एक मिनट गर्म हो रहा है तो मैं एसी ऑन करता हूँ, बिकॉज एसी है। सो यहाँ पे इंश्योरेंस लेना पड़ता है, सो दो टाइप के इंश्योरेंस होते हैं, एक इंश्योरेंस होता है जिसमें आप अगर गलती से ठोकोगे तो आपकी कार कवर होगी और सामने वाले की भी कार कवर होगी, बट वो इंश्योरेंस के अप्रॉक्सीमेटली, वो तो डिपेंड होता है कि कौन सी कार है और सब कुछ, बट ऑन एन एवरेज वो इंश्योरेंस के थोड़े ज़्यादा पैसे होते हैं, लेट्स से कि 100 या फिर $120 पर मंथ, जिसमें आपकी कार और सामने वाले की कार दोनों की कार कवर होगी इंश्योरेंस में। और सेकंड टाइप का इंश्योरेंस होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ सामने वाले की कार कवर होगी, वो बहुत चीप होता है, $25 या $30, तो मैंने वो वाला लिया, बिकॉज देखो ये 1500 की कार है, सो देर इज अ नो पॉइंट कि मैं इंश्योरेंस में एवरी मंथ 100 या $120 स्पेंड करूँ, अगर गलती से ठोक गई तो फिर पैसे पानी में, मतलब ऐसा होना तो नहीं चाहिए, बट ठीक है, जब आपकी कार है एक्सपेंसिव कार है, लेट्स से कि आपकी $5,000, $10,000, $15,000 की कार है, तब आप वो इंश्योरेंस ले सकते हो जिसमें आपकी कार और सामने वाले की कार दोनों की कार कवर होगी। अभी फिलहाल के लिए जो अगर मैं फर्स्ट टाइम कार ले रहा हूँ, देन आई थिंक सामने वाले की कार वो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज यहाँ पे छोड़ो अच्छे अच्छी कार्स होती है तो उसके पैसे फिर भरने पड़ते हैं, इसलिए तो इंश्योरेंस मैंने वो वाला लिया है। शॉम साइड है ये साइड, और मुझे अपोजिट साइड जाना है, जो कार मुझे क्लीन करनी है अंदर से, और उसके बाद घर पे आके मैं GoPro लेके हम वापस जाएंगे Kmart, तो Kmart से थोड़ी शॉपिंग करेंगे, क्योंकि सीट कवर चाहिए, गाड़ी यूज्ड है तो स्मेल आ रहा है सीट कवर से। मेन जो वीडियो है कि वाई Uber Eats इज वन ऑफ द बेस्ट जॉब फॉर स्टूडेंट्स, आगे जाके बात करता हूँ, पहले अभी फ़ोन रखना पड़ेगा क्योंकि ड्राइविंग के टाइम पे व्लॉगिंग नहीं। बंधु ओह लाइट्स तो बहुत अच्छी है, तो यहाँ पे भी अपने इंडियन भाई बंधु काम करते हैं, मैंने बोला ना कि स्टूडेंट्स हर जगह काम करते हैं, सो अभी और 30 मिनट्स लगेगा, तब तक प्रॉब्ली मैं ऊपर मॉल में से ब्रेड वगैरह, मैं ये मॉल के अंडरग्राउंड पार्किंग में हूँ और ऊपर से प्रॉब्ली ब्रेड लेता हूँ, और हाँ वैक्यूम के $20।
भी कार वैक्यूम हो गया, मैं घर पे जाके आपको ठीक से बताता हूँ। अच्छे से वैक्यूम हो गया, ऑलमोस्ट अच्छे से हो गया। $20 में मैंने काम किया, एक्चुअली $30 था बट डिस्काउंट दे दिया। वापस मैं घर पे आ गया हूँ और आप लोग को बताता हूँ कि कार अभी अंदर से प्रॉपर क्लीन है। तो अभी GoPro लेके हम चलते हैं चर्म साइड, मतलब मैं चल रहा हूँ चर्म साइड वेस्ट फील्ड मॉल, थोड़ी शॉपिंग करते हैं कार की। और आज संडे भी है तो चलो फिर। जो मेन टॉपिक है वीडियो उसके बारे में बात करते हैं कि why Uber Eats is one of the best part time job for students। और ये मेरा ओपिनियन है, ठीक है, हर किसी का डिफरेंट हो सकता है, ये मेरा ओपिनियन है। सो फर्स्ट थिंग मुझे Uber Eats की बेस्ट थिंग लगती है वो है कि आप आपके टाइम के हिसाब से आप स्टार्ट कर सकते हो। लेट्स से कि ये वीक आपका बहुत ज़्यादा हेक्टिक है और सिर्फ सैटरडे संडे आप फ्री हो, तो आप सैटरडे संडे सिर्फ आपको Uber Eats करना है। आप आपके मर्जी से आप ऑन कर सकते हो। लेट्स से कि आपको इवनिंग को ऑन करना है, आपको मॉर्निंग को ऑन करना है, तो आप आपके टाइम से स्टार्ट कर सकते हो। ये Uber Eats है, यहाँ पे Deliveroo, DoorDash, ये और भी फूड डिलीवरी सर्विस है, बट आई थिंक उसके कुछ शेड्यूल होते हैं, वो पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर टाइम पे जाना पड़ता है। सो आई एम नॉट रियली श्योर, DoorDash ये Uber Eats जैसा ही है, उसमें आप आपके टाइम के हिसाब से स्टार्ट कर सकते हो। तो ये फर्स्ट रीजन है। सेकंड थिंग कि अगर आपको कोई भी जॉब नहीं मिल रहा है यहाँ पे स्टार्टिंग में आके, लेट्स से कि आपको जॉब ही नहीं मिल रहा, आप ट्राई कर रहे हो, अभी जैसे कोविड की सिचुएशन थी बहुत सारे स्टूडेंट्स को जॉब नहीं मिला, तो बहुत सारे लोगों ने स्टूडेंट्स ने ऑफकोर्स Uber Eats के लिए अप्लाई किया। थिंग अगर आप कोई दूसरा और जॉब्स नहीं करना चाहते, बिकॉज ऑफकोर्स हर जॉब के साथ कोई भी कंफर्टेबल नहीं होता, आपको फ्रंट डेस्क पे काम करना है और आप वो चीज़ें कंफर्टेबल नहीं हो, तो ये जॉब सबसे बेस्ट है। एक जगह से पिकअप करो, दूसरी जगह ड्रॉप करो। मैंने वीडियोस बनाई है Uber Eats की। और यहाँ पे मेरा पॉइंट ये है कि अगर आपको आपके फील्ड रिलेटेड जॉब नहीं मिल रहा, अगर आपको आपके फील्ड रिलेटेड इंटर्नशिप नहीं मिल रही, एंड अगर आपको रेंट पे करना है फॉर टेम्पररी बेसिस, आप ये जॉब कर सकते हो, जिससे आपको घर से पैसे मांगने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ से जॉब करके पैसे पे कर सकते हो रेंट के, एंड ऑल्सो आप आपके स्टडी पे फोकस रख सकते हो, आपके प्रोजेक्ट पे, और अगर आपको इंटर्नशिप के लिए अगर अप्लाई करना है तो आप उस पर भी फोकस कर सकते हो। ये कार मैंने अब तक Uber Eats के लिए रजिस्टर नहीं किया, मैं कार में भी कर सकता हूँ, एट द मोमेंट मैं साइकिल पे कर रहा हूँ, बिकॉज अभी यूज हो रहा हूँ रोड से। सो यही चीज़ है कि अगर आपको किसी और चीज़ में नहीं जाना है, आपको सिर्फ और सिर्फ आपका जो वीकली जो रेंट है वो आपको पे करना है, एंड एट द मोमेंट आपको ये नहीं चाहते कि आप मैं किसी और जॉब्स करूँ, देन Uber Eats इज़ द बेस्ट जॉब एज अ स्टूडेंट, ये मेरा ओपिनियन है। और बाकी के पॉइंट्स याद आने पे बोलता हूँ। अभी यहाँ से जाना है मुझे चर्म साइड, बिकॉज लगता है बहुत ज़्यादा बारिश गिरने वाली है। सामने देखो, दो तीन बार पीछे पीछे करके आगे पीछे करके प्रॉपर कार लगा दी है। अच्छा, अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे पार्किंग मिलना थोड़ा डिफिकल्ट था। एक दो राउंड मैंने यही एरिया में मारे, उसके बाद मुझे पार्किंग मिली। तो अभी चलते हैं थोड़ी शॉपिंग, गाड़ी तो लॉक कर लूँ। मैं ब्लॉगिंग नहीं करूंगा बिकॉज मॉल इज टू क्राउडेड और प्रॉब्लम हो सकता है। सीट कवर चाहिए था, यहाँ पे दो सीट कवर है, ये तो ये गली लग रहा है, और ये बहुत एक्सपेंसिव है, $28, ये $32। फिलहाल मुझे दो सीट कवर की ज़रूरत है, मतलब आगे एक ही चलेगा बट एक नहीं मिलेगा। इसके बारे में आपको मैं बाद में बताता हूँ, ये L साइन और P साइन क्या होता है, तो घर पे आके बताता हूँ। ठीक है, एक ले लेता हूँ। so really ये जो टी शर्ट है वही मैंने अभी पहना है, तो Kmart से लिया था मैंने टी शर्ट, $6 मैंने जब लिया था, तभी $10 मिला था, अभी $6 मिला। यहाँ पे एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि मुझे ब्राइट कलर पसंद है, बिकॉज वो वीडियो में पहनने के लिए भी अच्छा लगता है, और यहाँ पे बहुत ही प्लीजेंट कलर है, तो मुझे जो कलर चाहिए वैसे नहीं मिल रहे। Uber Eats के बारे में बात करते हैं, क्योंकि Uber Eats मैंने बताया कि आज क्यों वन ऑफ द बेस्ट पार्ट टाइम जॉब फॉर स्टूडेंट्स। सो उसका और एक रीज़न है कि अभी रिसेंटली Uber Eats ने एक न्यू फीचर इंट्रोड्यूस किया है, वो है Uber Quest। सो अभी Uber Quest के बारे में बताता हूँ। तो Uber Quest दैट मीन्स आपको Uber एक टारगेट देता है वीकेंड पे कि आप 30 डिलीवरीज कंप्लीट करो, ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं,
30 डिलीवरीज आप कंप्लीट करो, हम आपको एक्स्ट्रा 50 या 60 डॉलर्स देंगे, और अगर आप 45 या 50 ट्रिप्स कंप्लीट करते हो तो हम आपको एक्स्ट्रा 90 डॉलर्स देंगे। तो ये जो प्राइस है वो डिफरेंट स्टेट में कार बाइक और साइकिल के ऊपर मतलब वो डिपेंड करता है। सो बट ये एक न्यू फीचर है, सो दैट मीन्स जो पे रेट है मैंने कैलकुलेट किया, अभी फिलहाल जो एवरेज पे रेट है ऊबरइट्स का वो है 18 से लेकर 20 डॉलर्स, डिपेंड कभी कभी 25 डॉलर्स भी हो सकता है पर आवर, वैसे तो पर डिलीवरी पे डिपेंड होता है बट मैं ये एवरेज कैलकुलेट कर रहा हूँ। सो आफ्टर क्वेस्ट मैंने कैलकुलेट किया, सो पे रेट होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 25 से लेकर 30 तक पे रेट होता है वीकेंड पे। सो इट्स अ गुड थिंग, फन यार, मतलब अच्छा लगता है यहाँ से एक्सप्लोर करना नई नई चीज़ें। अगर आप मेरी तरह हो, मुझे फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है, और ऊबर ईट्स मैंने जितना साइकिल से किया है उससे एक चीज़ अच्छी हुई है कि मुझे यहाँ के रोड्स मालूम पड़े हैं और यहाँ पे नई नई चीज़ें एक्सप्लोर किया है। ऑफकोर्स मतलब ज़्यादा नहीं, 3-4 किलोमीटर, हाँ 5 किलोमीटर्स के एरिया में ही, बट दिस इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट ऊबर ईट्स। एक तो क्वेस्ट के बारे में बताया जिसका पे रेट आपका 25-30 तक होता है वीकेंड पे सिर्फ, और सेकेंड चीज़ अगर आपको एक्सप्लोर करना पसंद है देन ऊबर ईट्स अ बेस्ट जॉब, दैट्स इट। तो यही आज का मेरा वीडियो था, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कुछ भी डाउट होंगे, अभी ये मैं कार कब रजिस्टर करूँगा ऊबर ईट्स के लिए आई डोंट नो, समर वेकेशन होगी दिसंबर के बाद, तभी लेट्स सी कभी करूँगा, और जब भी करूँगा आप लोगों को डेफिनेटली बताऊँगा, और बताएंगे कि साइकिल में कितने पैसे बनते हैं और कार में कितने ऊबर ईट्स पे पैसे बनते हैं। तो ये जस्ट पार्ट टाइम जॉब है, ठीक है, ये मज़ा आ रहा है मुझे करने के लिए आप लोग को दिखाने में, और उतना अच्छा रिस्पॉन्स भी आ रहा है, एंड थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। सो मैं आपको मिलता हूँ नए वीडियो में कुछ नए कॉन्टेंट के साथ में, और अभी बस यहाँ पे गर्मी हो रही है क्योंकि मैंने एसी बंद किया है।